यूपी में विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे राज्य में सियासी हलचलें तेज हो रही। इसी बीच बसपा के 5 बागी विधायकों ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात कर प्रदेश की सियासत को गर्मा दिया। इन 5 विधायकों ने अखिलेश यादव से विक्रमादित्य स्थित पार्टी कार्यालय में मुलाकात की। इनकी अगुवाई करने वाले श्रावस्ती के विधायक असलम रायनी ने दावा किया कि जल्द ही वो बसपा से हाल ही में निष्कासित किए गए लालजी वर्मा के नेतृत्व में नया दल बनाएंगे। उनके साथ पार्टी के 11 विधायक हैं और अगर ऐसा हुआ तो बसपा का टूटना तय माना जा रहा है। दरअसल बसपा के बागी विधायक असलम रायनी भिनगा श्रावस्ती मोहम्मद मुजदबा सिद्दीकी प्रतापपुर प्रयागराज हाकिम लाल बिंद हांडिया प्रयागराज डॉक्टर हरगोविंद भार्गव सिधोली सीतापुर सुषमा पटेल मुंगरा बादशाहपुर जौनपुर ने अखिलेश यादव से पार्टी कार्यालय में बंद कमरे में बातचीत की थी। धौलाना हापुड़ के असलम अली को भी उनके साथ आना था लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में व्यस्त होने की वजह से वो नहीं आ सके। जानकारों का कहना है कि सपा मुखिया ने बसपा के सभी बागी विधायकों से मुलाकात कर आने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा की। राज्यसभा चुनाव के वक्त बगावत करने के बाद से विधायक लगातार अखिलेश के संपर्क में रहे हैं। बसपा में कुल 18 विधायक हैं, इनमें से 9 पार्टी से निलंबित और 2 निष्कासित हैं। लालजी वर्मा और रामअचल राजभर ने निकाले जाने के बाद अभी तक अपने अगले कदम का ऐलान नहीं किया है। सपा से मिलने के बाद बसपा विधायकों ने एकजुट होकर कोई बयान नहीं दिया। किसी ने इसे औपचारिक मुलाकात बताया तो किसी ने कहा कि अलग दल बनाया गया है, पर चर्चा है कि बागी विधायक बहुत जल्द सपा का दामन थामकर आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके बैनर तले लड़ेंगे। फिलहाल देखना होगा कि क्या सपा बीजेपी से पहले बसपा का सफाया करना चाहती है और आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होगा। तो आप भी इस पर नजर बनाए रखिए, साथ ही जुड़े रहिए हेडलाइंस यूपी उत्तराखंड के साथ।